द चैनल फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। सो काइंडली लिसन टू द हॉनरेबल फ्रांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके अभी क्या विचार्स हैं। जस्ट बिफोर द बजट उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे रखी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या बोला है उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना एंड फ्रेंड्स चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग पेंशन एंड रिलेटेड अपकमिंग अपडेट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स लिसन टू द हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। I just wanted to know, in this holistic approach of disinvestment, is stake sales or privatization strategic sale still on the table? Because there seems to be a complete silence on that. Please repeat your question. Keep the mic closer to you. Yeah, I'm Siddharth from Bloomberg. Yes. My question is, on this holistic approach on disinvestment, is privatization strategic sales still on the table? Because there seems to be a complete silence on that. Well, no, first of all, I'll have to will answer if you want details. Yes. But I've explained this several times. Privatization or disinvestment as decided by the cabinet is a cabinet decision. It has to be honored. But the timing is something which the government will have to choose. When is the best time to disinvest any one particular or several of these companies or PSUs which have been listed and cleared by the cabinet? So, post-COVID, we have disinvested. You've seen that, whether it is Air India or the steel plant in Orissa. And many others have also been done. They may be smaller compared to the size of Air India. But cabinet decisions will have to be honored anytime. सो फ्रेंड्स, आपने सुना है जो हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो बोल रहे हैं, अभी जो यूनियन कैबिनेट का डिसीजन होगा उसी के साथ वो जाएंगे अभी। सो राइट नाउ यहाँ पे आप बड़ा इजीली इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं भी अभी कोई भी प्लान रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट एंड एनी अदर नहीं है। और इसका बड़ा सिंपल ही लॉजिकल रीज़न ये है फ्रेंड्स, बिकॉज अभी जो लोकसभा एंड राज्यसभा में जो मेजॉरिटी मार्क होता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। सो राइट नो वी डोंट थिंक सो गवर्नमेंट का कोई प्लान होगा। एंड दिस ईयर ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो प्रॉफिट है वो दोस्तों 5 लाख करोड़ प्लस हो चुका है, उसमें से बैंक्स अकेले 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट है फ्रेंड्स।